वेलेंटिस यहाँ कैंसर को मात देने में पूर्णतः सक्षम रेजिडेंट टोमोथेरेपी मशीन से इलाज किया जाता है। टोमोथेरेपी कैंसर रोगियों के लिए किसी वरदान से कम नहीं। कैंसर मरीजों के लिए समर्पित उत्तरी भारत का एकमात्र हॉस्पिटल वेलेंटिस, मवाना रोड, मसूरी, मेरठ। मेरठ के थाना नौचंदी क्षेत्र में एक ज्वेलर्स की दुकान में चोरों ने बोला धावा। बता दे कि मेरठ के थाना नौचंदी गढ़ रोड स्थित प्रिया ज्वेलर्स के नाम से एक दुकान है, जिसमें देर रात चोरों ने धावा बोल दिया। बताया गया है कि चोर नाले के रास्ते सुरंग बनाकर दुकान में घुसे थे और लाखों रुपए की ज्वेलरी चोरी कर फरार हो गए। यह पूरी वारदात दुकान में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है। घटना की सूचना जैसे ही आसपास के दुकानदारों को मिली तो सभी में हड़कंप मच गया। सूचना के बाद पहुंची पुलिस ने सीसीटीवी की डीवीआर को कब्जे में लेकर चोरों की तलाश शुरू कर दी है। देखिए, रात में हमारे सरावा व्यापारी हेमेंद्र राणा जी प्रिया ज्वेलर्स के मालिक है, हमारे जो है रात को भी दुकान बंद करके गए। सुबह जब यहाँ पर आए हैं तो देखते हैं दुकान में कुमल हो गया है और कुमल भी परफेक्ट तरीके से नाले के अंदर से हुआ है। नाले का पत्थर पलट के देखा गया है, इसने नाले के अंदर से घुस के और दुकान के अंदर घुस के जो भी इनके शोकेश में और जो इनकी सामने अलमारियों में सामान लगा हुआ था सारा निकाल लिया है। सामान की लिस्ट अभी तैयार करी जा रही है, उसके बाद ही हम बता पाएंगे कितना सामान हमारा गया है। तिजोरी को नुकसान नहीं पहुंचा सका, जो तिजोरी बहुत मजबूत थी, अगर तिजोरी चली जाती तो पूरी तरीके से हमारा व्यापारी सड़क पे आ चुका होता, इसके पास कुछ खाने कमाने के लिए नहीं बचा। 24 घंटे गश्त की बात की जाती है, कितना सुरक्षित समझते हैं चीज को लेके? देखिए, गश्त जरूर पुलिस कर रही होगी ऐसा नहीं मानते, लेकिन गश्त के बावजूद ये हरकत करेगी कि नहीं, कि अपराधियों के हौसले बुलंद है। और थाना नौचंदी के अंदर ही एक केस हुआ था राज ज्वेलर्स का, शास्त्री नगर के अंदर नई सड़क पे, वह केस में अपराधी हापुड़ के अंदर पकड़ा जा चुका है, जिसकी हमने सीसीटीवी फुटेज के माध्यम से फोटो पुलिस को सुपुर्द की भी है। आज तक उस अपराधी को रिमांड पे ना लाके, हमारे माल की बरामदगी ना करा के थाना ये नौचंदी अपने आप को सिद्ध कर चुके हैं कि वो क्या कर रहे हैं। और मैं चाहूंगा कल माननीय मुख्यमंत्री जी भी आ रहे हैं, मैं चाहूंगा इस पर जरूर ध्यान दें, क्योंकि मुख्यमंत्री जी से हमारी हर जनता का, उत्तर प्रदेश के छोटे से छोटे जन का विश्वास माननीय मुख्यमंत्री जी में कायम है। और हमें पता है हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी अगर उन तक ये आवाज हमारी पहुंचेगी तो इस पर संज्ञान भी लेंगे, कार्यवाही भी करेंगे और हमारे माल की बरामदगी भी होगी। ये नौचंदी थाना क्षेत्र का प्रकरण है, एक नाले के आड़ लेके नाले के अंदर घुसकर कोमल लगाकर अंदर गए हैं, चोरी की सूचना प्राप्त हुई है। सीसीटीवी फुटेज में काफ़ी चीज़ें क्लियर हो रही हैं और शीघ्र ही उसमें कार्रवाई हो रही है और काफ़ी चीज़ें प्रकाश में आई है। अभी तक कोई क्लू मिला सर? क्लू काफ़ी मिल रहे हैं और शीघ्र ही उसमें कार्रवाई हो जाएगी। हाँ, चोरी कुछ चांदी के सामान जो बाहर रखे थे वो चोरी कर पाए हैं, बाकी सामान तो चोरी नहीं हो पाए, चांदी के कुछ उनके थे ज्वेलरी जो चोरी कर पाए। इस खबर में अभी के लिए इतना ही, बने रहिए फास्ट बाइट टीवी के साथ। नमस्कार।